कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल दिखा तैनात। तो एक बड़ी खबर इस वक्त प्रदेश की राजधानी लखनऊ से निकल के सामने आ रही है, जहां राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर आज कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी, जिसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के बाहर अलर्ट मोड पर एक्टिव नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी आप साफ साफ प्राइम टीवी पर देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त कांग्रेस कार्यालय के बाहर से सामने आ रही है, जहां पर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन हो रहा है। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं सीधा कांग्रेस कार्यालय के बाहर, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर यह कहा है कि आज वो राजभवन का घेराव किए बिना मानेंगे नहीं, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार भाजपा विरोधी नारे भी लगाए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कांग्रेस कार्यालय से बाहर ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विभांशु, इस वक्त वहां का माहौल कैसा बना हुआ है? हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया है और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह से प्राइम टीवी आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हमारे संवाददाता मौजूद है कांग्रेस कार्यालय के बाहर, जहां पर कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी से हेराल्ड केस को लेकर ईडी की पूछताछ के बाद से ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार इस पूछताछ को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिसके एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त प्राइम टीवी की टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। वहां से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जोरदार प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें भी देख सकते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में कांग्रेस का झंडा लिए, बैनर लिए, तख्तियां लिए लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अब कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस प्रदर्शन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर एक्टिव हो चुका है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त कांग्रेस कार्यालय के बाहर से देख रहे हैं प्राइम टीवी की टेलीविजन स्क्रीन पर। प्राइम टीवी आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कांग्रेस कार्यालय के बाहर से, जहां कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से यानी कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांश, इस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो वहां की स्थिति इस वक्त क्या बनी हुई है? जी मुस्कान, आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर राहुल गांधी से जो पूछताछ का दौर है वो कल फिर उन्हें पेश होना है। उसी क्रम में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, साथ ही साथ उनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार जो एजेंसियां हैं उसका गलत उपयोग कर रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि महिला कार्यकर्ता समेत कार्यकर्ता अपने हाथों में कांग्रेस का झंडा लेकर दफ्तियां लेकर लोकतंत्र का हमला बंद कर ईडी का दुरुपयोग कर लिखे पोस्टरों को लेकर और प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे पुलिस प्रशासन पूरी यहाँ मुस्तैद है और इन्हें रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि तस्वीरों में दिखाया कि कार्यकर्ता कैसे उग्र होकर और बैरिकेटिंग को फांद कर बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता या पार्टी मुख्यालय से निकल कर और राजभवन की तरफ जा रहे थे, वहाँ पद यात्रा के माध्यम से वो जो तमाम सवालों के जवाब राहुल गांधी की तरफ से दिए गए हैं, तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो बेकसूर हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो केंद्र सरकार जो तमाम एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रही है, इससे कुछ गलत भी हो सकता है। साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। उसी क्रम में हमारे पास कुछ लोग हैं और सबसे पहले ये बताएं कि आप लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं, आपको रोक दिया गया है, क्या कहेंगे? ये हम लोगों को नहीं रोका गया है, इस असत्य के टाइम में सत्य को रोका जा रहा है। 130 करोड़ भारतीयों की आवाज राहुल गांधी बन रहा है, आज ये लोग उसको दबा रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं मुस्कान कि कैसे प्रशासन और जो कार्यकर्ता है उनके बीच
जो है खींचातानी हो रही है, बैरिकेटिंग कार्यकर्ताओं की तरफ से दबाए जा रहे हैं, यही प्रशासन की तरफ से। अब देख सकते हैं तस्वीरों में, अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं कि कार्यकर्ता और पुलिस प्रशासन के बीच किस तरह से नोकझोंक हो रही है। उनकी तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं इनको रोकने को लेकर, और कार्यकर्ताओं का यही मांग है कि ये कार्यकर्ता राजभवन जाए, वहां जाकर अपने विरोध प्रदर्शन को जगाए, और विरोध प्रदर्शन के साथ साथ वो जो सरकार की नीतियां हैं उनके खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें महिला, साथ ही साथ पुरुष और सभी वर्ग के कार्यकर्ता हैं, चाहे बात की जाए जो वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ युवा नेता भी हैं। इसी क्रम में हमारे साथ एक महिला नेत्री है। मैडम आप अपना नाम बता दें, और आप लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं, आपको रोक दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तानाशाही है, जनता की आवाज नहीं उठाने दे रही है। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग राजभवन जाना चाह रहे हैं, पुलिस हमको रोक रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार, आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश की सरकार, देश की सरकार कांग्रेस को दबाने के काम कर रही है। ईडी के द्वारा लगातार कांग्रेसियों को रोका जा रहा है, कांग्रेसियों को परछापा हो रहा है। राहुल गांधी जी 3 दिन से लगातार ईडी ऑफिस आ रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, क्यों उनसे बार बार पूछा जा रहा है, दबाव डाल रही है। कांग्रेस पार्टी ही है जो देश में आवाज उठा रही है जनता के लिए। मोदी जी जानते हैं कि राहुल को दबाएंगे तो देश शांत हो जाएगा। वो तानाशाही कर रहे हैं, अपने हिसाब से हिटलर शाही चला रहे हैं। हिटलर शाही कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता नहीं होने देंगे। मैं जैसी लड़की जब राजभवन के लिए जाने के तैयार है, मरने मिटने के लिए तैयार है, तो देश का एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के लिए खड़ा है। आप देख सकती हैं कि महिला नेत्री के द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोग तभी मानेंगे जब राजभवन पहुंचेंगे और जो राज्यपाल हैं उनसे अपना ज्ञापन देंगे। साथ ही साथ यहाँ एक कार्यकर्ता है जो अपने सीने पर राहुल गांधी की तस्वीर बनाए हुए हैं। मैं इन्हें कहूंगी, आपसे कहूंगा कि दिखाए कि राहुल गांधी के लिए जो तमाम जो पूर्वांचल से आए हैं, इनकी तरफ से कहा जा रहा है मैं पूर्वांचल से राहुल गांधी के लिए आया हूँ, और ये अपने सीने पर राहुल गांधी की टैटू भी बनवाए हैं। तो इसी क्रम में आप देख सकते हैं पुलिस की नोकझोंक जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इनको गिरफ्त में लेकर और ये पूरे प्रदर्शन को शांत कराया जाए। हमारे तस्वीरों में देख सकती है कि किस तरह से जो कार्यकर्ता है और पुलिस है उनकी तरफ से तमाम बल का प्रयोग किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन इन्हें रोकने के लिए बैरिकेटिंग लगाई थी, मगर जो कार्यकर्ता है वो बैरिकेटिंग को फाड़ कर, बैरिकेटिंग को दबा कर बाहर आना चाहते हैं, मगर पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ तैनात है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या होता है। जैसे पुलिस द्वारा इनको राजभवन का घेराव करने से रोका जा रहा है, तो अब आगे अगर किसी अब कांग्रेस नेता से बात कर सके या कार्यकर्ता से बात कर सके तो उनसे पूछ के जरूर हमको ये बताइए कि आखिर अब उनका आगे का प्लान क्या होगा, क्योंकि उन्हें राजभवन तो जाने नहीं दिया जा रहा है। आप लोगों को राजभवन जाने से रोका जा रहा है, आगे आप क्या करेंगे? अभी हम लोग संघर्ष करेंगे, जाएंगे जाएंगे राजभवन, हम जाएंगे। आपको बता दीजिए, कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि हम राजभवन जाएंगे और राजभवन जाने के लिए हर एक प्रयास करेंगे। मैं तस्वीरों में दिखाऊं आपको कि कार्यकर्ताओं की भीड़ धीरे धीरे हुजूम जो है वो बढ़ चुका है, और यहाँ हजारों के तादाद में कार्यकर्ता मौजूद हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन की तरफ से लगभग आधे घंटों से कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जो है इन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है, मगर कार्यकर्ता रुक नहीं रहे हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन क्या रुक लेता है, मगर अभी तक का जो प्रदर्शन है पूरी शांतिपूर्ण है। अभी कोई ऐसी लाठीचार्ज या ऐसे कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की है, बड़ी शांति प्रिय तरीके से कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि अभी आपने बताया कि इस वक्त जो प्रदर्शनकारी है वो हजारों की संख्या में पहुंच चुके हैं, तो वहां पर पुलिस बल कितनी संख्या में तैनात है? जी मुस्कान, आपको बता दें कि राजभवन से लेकर और जो पार्टी का कार्यालय है, कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है, वहां तक हर जगह प्रशासन लगाए गए हैं। साथ ही साथ मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं कि यहां प्रशासन की तरफ से जो तमाम अरेस्ट करके ले जाने वाली बसों को भी यहां लगा दिया गया है, डिप्लॉय कर दिया गया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रदर्शन को उनकी तरफ से रोकने का प्रयास किया जा रहा है और प्रशासन क्या रोक लेता है, क्योंकि यहाँ देखे तो पीएससी के भी जो जवान है वो उनको भी लाया गया है। अब
अब देखने वाली बात यह होगी कि जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, पुलिस बल यहां लगा हुआ है और पुलिस बल पूरे शांतिपूर्वक ढंग से लोगों को हटा रहे, कार्यकर्ता भी बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से यहां नारे लगा रहे हैं और जो लोकतंत्र में जो डेमोक्रेटिक इनका हक है उसका पूरा प्रयोग कर रहे हैं और इनका बस एक ही मांग है कि ये कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से निकल कर और जो राजभवन है वहाँ जाएँ और राजभवन में जाकर और अपनी वहाँ विरोध प्रदर्शन है उसको कर सकें और उनकी बस यही मांग है, मगर प्रशासन की तरफ से शांति व्यवस्था लागू करने को लेकर उन्हें रोका जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो लखनऊ के अंदर में धारा 144 लगी हुई है, धारा 144 के अंदर में कोई भी प्रोटेस्ट और ऐसे कृत्य नहीं किए जाते हैं, पुलिस की तरफ से ये दलील दी जा रही है। वहीं आपको बताया कि आज सुबह से ही राजभवन से लेकर जो पार्टी का कार्यालय है, कांग्रेस पार्टी का कार्यालय, वहाँ कार्यकर्ताओं का हुजम धीरे धीरे बढ़ता गया, अब ये हुजम हजारों की संख्या में पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ एक कार्यकर्ता जो पार्टी का झंडा लेकर और ऊपर लहरा रहे हैं, साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमें राजभवन जाने की अनुमति मिले। और वहीं आप देख सकती है कि ये कार्यकर्ता उग्र तरीके से होकर और प्रशासन से राजभवन जाने की मांग कर रहा है, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन उन्हें रोकने में जो प्रयास अब तक सफल रहा है उसमें क्या होता है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता, कुछ कार्यकर्ता उग्र होते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि आगे आने वाले कुछ समय में क्या पुलिस को लाठी चार्ज का प्रयोग करना पड़ेगा? जी अगर बात करें मौके स्थिति की तो अब तक ऐसी स्थिति नहीं है, तालियां बज रही हैं, तालियों पे नारे बज रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, सरकार को जगाने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही साथ केंद्र सरकार की जो ये मामले को लेकर जो पूछताछ के लिए बुलाया गया है उसका विरोध कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेसी कार्यकर्ता क्या करते हैं। अब आपको बताएं कि कांग्रेसी कार्यकर्ता, अगर तस्वीरों में आपको अपने सहयोगी से कहूंगा कि दिखाएं, कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ बैरिकेडिंग के ठीक सामने बैठ चुके हैं और प्रशासन बेहद शांत तरीके से उन्हें मना रहा है। प्रदर्शन जो अगर बात करें तत्काल में तो लखनऊ के अंदर में धारा 144 लगी हुई है और धारा 144 के अंदर में प्रदर्शन की अनुमति नहीं होती है, जिसको लेकर प्रशासन यहाँ पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ तैनात है और हर एक चीजों पर जो नजर बनाए रखा है। वहीं अगर बात करें मुस्कान, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जो 12:30 बजे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी की तरफ से पीसी का आयोजन किया गया है उसमें वो क्या कहते हैं, इसी क्रम में कुछ एक वरिष्ठ नेता है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है आज के इस प्रदर्शन को लेकर। मगर अगर देखें तो आप देख सकती हैं कि एक महिला कार्यकर्ता पुलिस के साथ पूरी नोकझोंक कर रही है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है प्रदर्शन करना और पुलिस की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि लखनऊ में एक धारा 144 लागू है जिसके तहत आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। और वहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि ये प्रदर्शन अब आगे क्या होता है। अब वहीं बताना चाहेंगे कि कांग्रेस की जी विभाजन, लेकिन देखा जाए तो इस दौरान एक महिला कार्यकर्ता का दुपट्टा भी हटता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या उसको किसी महिला पुलिसकर्मी द्वारा हटाया जा रहा है या फिर कोई पुलिसकर्मी वहां मौजूद है? नहीं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां महिला पुलिस, तो आपने देखा कि किस तरह से इस वक्त कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, यहां काम कर रहा है, पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर हैं और उनकी तरफ से जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उनको रोकने का बहुत ही शांति तरीके से प्रयास किया जा रहा है। कार्यकर्ता जो है वो उग्र होकर कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ साथ कुछ दीवारों पर चढ़ चुके हैं। वहीं कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो धीरे धीरे बैरिकेडिंग के ठीक आगे बैठकर और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी विभांशु, लेकिन राहुल गांधी से देखा जाए तो सिर्फ पूछताछ की जा रही है, तो आखिर इस पूछताछ का इतना विरोध क्यों कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी नेता द्वारा या किसी विपक्षी नेता द्वारा ऐसे पूछताछ की जा रही है, तो आखिर इस पूछताछ का इतना विरोध कार्यकर्ताओं द्वारा क्यों किया जा रहा है? जी मुस्कान, आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं का साफ तौर पे कहना है कि जो केंद्र सरकार है वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, उसका दुरुपयोग करके राहुल गांधी को वो जो प्रमुख विपक्षी दल है केंद्र के अंदर में उनका लोकप्रियता कम कर रही है, साथ ही साथ उनका छवि धूमिल कर रही है। मुस्कान, आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड घोटाले को लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम था, जिसको लेकर उन दोनों नेताओं को नोटिस भेजा गया था। वहीं राहुल गांधी, आपको बताएं कि बीते दिनों उनसे पूछताछ हुई, घंटों पूछताछ में सैकड़ों सवाल उनसे पूछे गए
और सवालों के जवाब से भी सवाल बनाकर उनसे पूछे गए और राहुल गांधी बड़े ही बेबाकी के साथ सवालों के जवाब देते हुए नजर आ रहे। उनकी तरफ से जो प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी थे उनका कटाक्ष करते हुए उनकी तरफ से कहा गया था कि क्या आप वाकई में सबसे ऐसे ही पूछताछ करते हैं। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां कल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को कांग्रेस के इस मामले को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें गिरफ्त में ले लिया गया था, फिर देर शाम उन्हें रिलीज किया गया था और कल राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय के जो कार्यालय है वहां पेश होना है। तो कार्यालय के अंदर में कल जैसे बीते दिनों उनसे लगभग 8 घंटे पूछताछ हुई और अगर उन सैकड़ों सवालों के उन्होंने जवाब दिए और उनके तरफ से कहा गया कि मैं हर एक सवाल का जवाब दूंगा और कल उन्होंने मीडिया बाइट से बोला था कि देश के प्रधानमंत्री सवालों से बचते हैं, मैं नहीं बचता। तो अब देखने वाली बात यह होगी मुस्कान की कल का जो उनसे पूछताछ है उसमें क्या होता है और क्या निष्कर्ष निकल के आता है। वहीं आपको बताया कि 2012 के अंदर में नेशनल हेराल्ड घोटाले को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी तरफ से जवाब मांगा गया था है नेशनल हेराल्ड घोटाले को लेकर। और वहीं आपको बताया कि जब बीते दिन उनसे पूछताछ होती है तो राहुल गांधी से पूछा जाता है कि नेशनल हेराल्ड घोटाले में आपका कितना प्रतिशत शेयर है, साथ ही साथ आप उसके शेयरदार क्यों हैं और अन्य कौन कौन लोग उसमें संलिप्त हैं और किनके भी नाम हैं। तो वहीं बताया जा रहा है कि लगभग 53 करोड़ रुपए की घोटाले की बात कही गई थी इसमें। तो वहीं अब पूछताछ हो रही है प्रवर्तन निदेशालय से के द्वारा और 2012 के बाद से ये मामला हुआ था जब कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार में हुआ करती थी, वहीं 8 सालों से वो सत्ता से बेदखल है। तो कहीं ना कहीं देखे तो जो वजूद है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है, मगर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो अपने नेता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है मुस्कान कि राहुल गांधी के साथ हैं। आपने तस्वीरों में देखा कि कार्यकर्ता दूर दराज से भी आए हैं और उनके द्वारा उनके एक कार्यकर्ता अपने शरीर पर जो टैटू कर रहा था राहुल गांधी को, उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी को इंसाफ नहीं मिलेगा तो इस देश में किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। मगर ये जांच का विषय है, जांच की टीम जो है वो जांच करेगी और निष्कर्ष निकालेगी। जी मुस्कान, विपक्षों का देखा जाए तो इस वक्त जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता जो प्रदर्शन कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो बैरिकेडिंग के पीछे शांतिपूर्ण तरीके से बैठ चुके हैं, अब प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो राजभवन तक पहुंचने में सफलता हासिल करेंगे या कहीं ना कहीं उन्हें यही प्रदर्शन करना पड़ेगा? जी मुस्कान, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के ठीक बाहर यानी कि 100 मीटर पर बैरिकेटिंग लगाई गई थी, वहां कार्यकर्ताओं को रोका गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा था तब उनकी तरफ से तमाम प्रयास किए गए जाने को लेकर, मगर कांग्रेसी कार्यकर्ता अब ठीक बैरिकेटिंग के पास ही बैठ गए हैं और नारे लगा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और सरकार के को पे आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार जो एजेंसियां हैं, जो प्रमुख एजेंसियां हैं, उसका दुरुपयोग कर रही है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जांच का विषय है और जांच के बाद जब राहुल गांधी से पूछताछ होती है प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से जब बताया जाएगा तो ये कहना साफ होगा। अब और वहीं आपको बताएं कि सोनिया गांधी को भी इसमें पेश होना था मगर उनके स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों की वजह से वो ईडी के दफ्तर यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर अब तक पेश नहीं हुई है। वहीं आपको बताएं कि एक वरिष्ठ नेता से बातचीत में आपने सुना कि कांग्रेस कार्यकर्ता जो शहर के अंदर में यानी कि राजधानी के अंदर में अनेक अनेक जगहों पर जो गुट में इकट्ठा है, अगर इन्हें गिरफ्त में लिया जा रहा है तो वो कहीं और से निकलेंगे। वहीं अगर बात करें तो आज सुबह कुछ कार्यकर्ता राजभवन पहुंचे थे, उनको पुलिस प्रशासन ने गिरफ्त में लेकर इको गार्डन भेज दिया, फिर वहां से रिलीज कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये प्रदर्शन कब तक चलता है और प्रशासन बहुत ही शालीनता के साथ कार्यकर्ताओं को जो है वो मनाने का प्रयास कर रहा है, उन्हें रोकने का प्रयास कर रहा है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या होता है, मगर अगर मौके पे बात करें तो कांग्रेसी कार्यकर्ता पूरी तरह से डटे हुए हैं। जी मुस्कान, इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या बताई जा रही है, क्या स्थिति पुलिस के नियंत्रण में है? जी आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो स्थिति है वो पूरे नियंत्रण है, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से
प्रदर्शन हो रहा है, वहीं कार्यकर्ताओं का धीरे धीरे जो संख्या है वो बढ़ता जा रहा है। आप तस्वीरों में अपने सहयोगी से कहूँगा कि दिखाएं, इसमें तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का हुजूम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वहीं आपको बताएं कि अब कार्यकर्ता धीरे धीरे बैरिकेडिंग के ठीक पास बैठ चुके हैं और उनकी तरफ से अभी मांग की जा रही है कि उन्हें राजभवन जाने दिया जाए। और देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ हर एक जगहों पर लगी हुई है। अब देख सकते हैं तस्वीरों में और जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उनकी तरफ से ताली बजाकर और साथ ही साथ नारे लगाकर जो केंद्र सरकार को आरोप लगाया जा रहा है कि वो तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वहीं आपको बताएं कि कल राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय के जो मुख्यालय है दिल्ली के अंदर में वहाँ पेश होना है, तो अब कल उन्हें पेश होना है। बीते दिनों आपने देखा कि घंटों तक पूछताछ में सैकड़ों सवाल किए गए और कल भी किए जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि पूछताछ के बाद क्या रिपोर्ट निकल के आता है। वहीं आपको बताएं कि अभी अगर देखें तो जो पार्टी कार्यालय है यहां से लेकर और राजभवन तक पूरे पुलिस प्रशासन को लगाया गया है। साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा जा रहा है कार्यकर्ताओं की तरफ से कि आज हम इस चीज़ को राज्यपाल भवन जाकर ही मानेंगे। वहीं अब 12:30 बजे यानी कि महज आपके कुछ ही देर में प्रमोद तिवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उसमें तमाम मुद्दों पर वो बात करेंगे। साथ ही साथ उनकी तरफ से आज के प्रदर्शन में उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। साथ ही आपको बताएं कि कांग्रेस की विधायिका और नेता विधायक दल आराधना मिश्रा मोना को भी हाउस अरेस्ट किया गया है। तो इन नेताओं का साफ तौर पे आरोप है कि जब ऐसे कृत्य हो रहे हैं, जब हमारा प्रदर्शन हो रहा है, तो क्यों हमें हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। आपने देखा कि बीते हफ्तों पहले कांग्रेस के नेता सचिन पायलट और आराधना मिश्रा मोना के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई थी कि यहाँ सत्याग्रह किया जाएगा, वो सत्याग्रह रोक दिया गया। अब आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी क्या इस पर रोक लेती है। जी मुस्कान, देखा जाए तो इस दौरान जो कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं कार्यालय के बाहर, उनके हाथों में कुछ पोस्टर और तख्तियां भी नजर आ रहे हैं, साथ ही वो नारेबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ लिखा है उनके पोस्टर्स में? आपके ठीक पीछे एक कार्यकर्ता मौजूद है जो एक काले रंग का पोस्टर लिए हुए अपने हाथ में खड़े हैं। उनके सहयोगी से कहूंगा कि वो उस पर उसको जूम करके दिखाएं कि ऐसे कई सारे पोस्टर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए गए हैं, जिसमें उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आप अपने आका से कह देना राहुल गांधी के सिपाही आए थे। इसमें साफ तौर पर उनका कहना है कि केंद्र सरकार से उनके जो पुलिस प्रशासन उनसे उनके द्वारा कहा जा रहा है कि कह देना कि राहुल गांधी के सिपाही आए थे। तो ये कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अपने आप को राहुल गांधी का सिपाही बता रहे हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने जिम्मेदारों को कहिए कि राहुल गांधी के सिपाही आए थे। तो ऐसे कई सारे पोस्टर हैं जिसमें कुछ पोस्टरों में लिखा है कि केंद्र सरकार जो तमाम एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग कर रही है। वहीं आप देख सकती हैं कि धीरे धीरे पीछे से कार्यकर्ता आके अब आगे प्रशासन को पूरी तरह से आगे जाने की अनुमति मांग रहे हैं, मगर प्रशासन पूरी तरह से उन्हें रोक रहा है। जैसा कि आपने अभी आपको बताया कि लखनऊ के अंदर में धारा 144 लागू है, तो धारा 144 के अंदर में ऐसे प्रदर्शन और ऐसे मामलों में रोक होती है। तो इसकी वजह से लेकर यहाँ पुलिस प्रशासन है, यहाँ अगर बात की जाए प्रशासन की, तो यहाँ से लेकर राजभवन के तक सैकड़ों की संख्या में पुलिस लगाई गई है। साथ ही साथ पीएससी के भी वैन लगाए गए हैं जिसमें उन्हें गिरफ्त में लेकर अगर मामला कुछ आगे बढ़ता तो उन्हें गिरफ्त में लेकर किसी जगह पर भेजा जा सके। आमतौर पर अगर देखें तो स्मृति उपवन और इको गार्डन ही स्थायी तौर पर उन्हें गिरफ्त में लेकर भेजने का वहां काम किया जाता है। जय मुस्कान, देखा जाए तो पुलिस द्वारा कहीं ना कहीं जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनको रोकने की भरसक प्रयास किया जा रहा है। तो अगर अब उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो नेता इस वक्त मौजूद है उनके आगे की रणनीति क्या होगी? क्या वो बलपूर्वक वहां जाने का प्रयास करेंगे या फिर वो इको गार्डन जाएंगे? आप कार्यकर्ताओं से पूछेंगे सवाल। जी जी, आपको बताया मुस्कान की अभी आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे पुलिस प्रशासन के बीच लोकयोग की शुरुआत हो चुकी है और आप देखिए कि तस्वीरों में कार्यकर्ता बैरिकेडिंग को पाद कर और बैरिकेडिंग के बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सहयोगी से कहूँगा कि कैमरे को उठा कर और तस्वीरें सीधे हमारे जो माध्यम है उस पर भेजें और दिखाएं कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं को गिरफ्त में लिया जा रहा है। धीरे धीरे इनको हटाने का काम किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, ना ही लाठीचार्ज, बेहद ही शालीनता के साथ हटाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि साफ तौर पर अब ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो अभी तक शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था वो अब उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस तरह से देख सकते हैं कि कांग्रेस का यहाँ जी जी
ये मुस्कान हम देख सकती हैं कि कांग्रेस की कार्यकर्ता की तरफ से जो यहाँ से भागा जा रहा है, वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें एक लाठी भी चलाई गई। तस्वीरों में देखा आपने कि किस तरह से लाठी चलाई गई है कार्यकर्ता की तरफ से। आपको बताया कि ये कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर से आकर और यहाँ से निकल कर राजभवन की तरफ रुख कर रही थी, मगर उसे प्रशासन की तरफ से उसे पकड़ लिया गया है। और आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि अभी लाठियां चली हैं जी मुस्कान। यानी कहीं ना कहीं अब ये कहा जाए कि अब ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं उग्र होता हुआ नजर आ रहा है और पुलिस अब क्या कुछ एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। विमांशु, इस वक्त आप मौके पर मौजूद है क्या? अन्य कार्यकर्ता भी बैरिकेडिंग तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब हो रहे हैं? जी, धीरे धीरे कार्यकर्ता जो है वो उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आप देख सकती हैं तस्वीरों में कि एक यहाँ कार्यकर्ती बैरिकेडिंग फाद करवाई तो उसे महिला पुलिस की तरफ से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि इन्हें किनारे हटाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं आपको मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि तस्वीरों में दिखाएं कि पीछे भी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी मुस्कान, आप एक बार बैरिकेडिंग के पास जाकर वहां की ताजा तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि जिस तरह से एक महिला बैरिकेडिंग तोड़ के बाहर निकल के आई है तो उस वक्त पुरुष जो कार्यकर्ता है वो क्या क्या कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। हेलो जी विभाजी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चाचा एक मिनट लाइव पे बानी, कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों होता नहीं। तो इस वक्त आपने देखा किस तरह से कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें भी आपने साफ तौर पर देखी कि किस तरह से एक कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर राजभवन जाने की कोशिश करते हुए नजर आई, जिसको पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस वक्त आप तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे थे ग्राउंड जीरो से, कांग्रेस कार्यालय के बाहर से, जहां हमारे संवाददाता विभांशु मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने दिखाया कि किस तरह से जो कांग्रेस कार्यालय के बाहर कहीं ना कहीं एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चल रहा था वो अब उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये लाइव तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं, ये वही कार्यकर्ता है कांग्रेस की जो बैरिकेडिंग तोड़कर राजभवन जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसको महिला पुलिस कर्मियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से उस महिला को गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि अब साफ तौर पर यह कहा जाए कि अभी तक जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, जो अभी तक ये बताया जा रहा था कि प्रदर्शन कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो पुलिस के कंट्रोल में है, वो अब पुलिस के कंट्रोल से बाहर होती हुई नजर आ रही है। आपने देखा किस तरह से अभी एक बैरिकेडिंग तोड़ते हुए एक कांग्रेस की कार्यकर्ता जो राजभवन जाने के पहले पुलिस से गुहार लगा रही थी कि उन्हें राजभवन जाने दिया जाए, और जैसे ही उस महिला को मौका मिला उस महिला ने तुरंत बैरिकेडिंग तोड़ी और राजभवन जाने का प्रयास किया, जिस दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा महिला पुलिस कर्मियों द्वारा उस महिला पर लाठियां बरसाते हुए उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। तो आपको बताते चले कि लगातार राहुल गांधी हेराल्ड केस में लेकर ईडी उनसे लगातार सवाल जवाब कर रही है, जिसको लेकर अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में देश भर में रोष देखने को मिल रहा है। एक ऐसा ही प्रदर्शन इस वक्त प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस कार्यालय के बाहर स्थिति अब कहीं ना कहीं तनावपूर्ण बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब स्थिति कहीं ना कहीं पुलिस के नियंत्रण से धीरे धीरे बाहर होती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि पुलिस को अब लाठी चार्ज भी करना पड़ा। तो हमारे संवाददाता विभांशु इस वक्त मौजूद है। विभांशु, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? विभांशु, अभी एक महिला कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उस वक्त वहां की स्थिति क्या बताई जा रही है, कैसी स्थिति बनी हुई है वहां पर? जी, अगर बात करें तो धीरे धीरे जो कार्यकर्ता है वो उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा तस्वीरों में कि सीधे प्राइम टीवी ने इस चीज को लाइव दिखाया कि कैसे जो कार्यकर्ता थी वो भाग रही थी और उसके ऊपर लाठी चार्ज की भी जो तमाम कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही थी वो सीधे एकमात्र प्राइम टीवी के कैमरों में कैद हुआ। और आपने देख रही है कि मुस्कान यहाँ धीरे धीरे कार्यकर्ता उग्र होकर बैरिकेडिंग फाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में आपने देखा कि कांग्रेसी कार्यकर्ती की तरफ से जब बैरिकेडिंग फाड़ा गया तो उसे रोक कर और उसे गिरफ्त में ले लिया गया है। वहीं अगर देखें तो आप कुछ और कार्यकर्ता जो हैं वो प्रयास कर रहे हैं बैरिकेडिंग के बाहर आने का और राजभवन की तरफ कूच करने का, मगर प्रशासन की तरफ से अगर देखें तो पूरी मुस्तैदी के साथ उन्हें लगाया गया है। साथ ही साथ और फोर्स को भी यहाँ डिप्लॉय किया जा रहा है जिससे इस प्रदर्शन को रोका जा सके।
तो अब देखने वाली बात ये होगी कि ये प्रदर्शन की रोकथाम कैसे होता है। वहीं अभी तक अगर बात करें तो मुस्कान, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं प्रमोद तिवारी, उनकी तरफ से जो पीसी करने का काम किया जा रहा था वो अब तक पीसी शुरू नहीं हो पाया है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं देखें तो कांग्रेस पार्टी ने एक अहम चाल चली जिससे सारे जो विजिलेंस थे, जो तमाम एजेंसियाँ थी, उनको निर्देश किया कि हम पीसी करेंगे, मगर एकाएक उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया। अब देख रहे हैं कि पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुँच चुके हैं और वो कार्यकर्ताओं के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको मना रहे हैं कि आप जो धारा 144 लागू है लखनऊ शहर के अंदर में उसको पालन करें। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में यहाँ बात की जाए तो तमाम ऐसे जिम्मेदार भी मौके पहुँच चुके हैं। वहीं आप तस्वीरों में देखिए पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, अगर वहीं बात की जाए जो गौतम पल्ली के इंस्पेक्टर जो हैं पवन गौतम, वो भी अंदर पहुँच चुके हैं और कार्यकर्ताओं को मना रहे हैं। कार्यकर्ता आप देख सकते हैं तस्वीरों में पीछे से लेकर और आगे तक, अगर बात की जाए पार्टी कार्यालय से लेकर और बैरिकेडिंग तक, हर एक जगहों पर बैठ चुके हैं। और साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें राजभवन जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं हम कुछ और कार्यकर्ताओं से बात करने का भी प्रयास करेंगे कि आगे का क्या उनका रुख होगा। तो अब मुस्कान आपको बताएं कि तमाम जो पोस्टर है धीरे धीरे उनकी तरफ से पोस्टर लहराए जा रहे हैं। वहीं आपको बताएं मुस्कान कि यहाँ कार्यकर्ता यहाँ जमीन पर बैठकर और धीरे धीरे तालियों की ताली बजाकर और सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। कुछ युवा साथी भी हमारे साथ हैं। अच्छा ये बताएं देखिए हम लोग आज शांति तरीके से राजभवन पे प्रदर्शन करने जा रहे थे क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी को लगातार ये सरकार ईडी का नाम से लेके डरा रही है, जबकि हम लोग जानते हैं हमारे नेता डरने वालों में से नहीं है। आज उसी के विरोध हम लोग राजभवन में प्रदर्शन करने जा रहे थे लेकिन हमें जबरदस्ती बैरिकेडिंग लगा के यहाँ रोक दिया गया। इस देश में लोकतंत्र बचा है कि नहीं, जिस तरीके से हमें रोका जा रहा है ये देख लीजिए कि ये बैरिकेडिंग लगा दी गई, हमें धक्का दिया जा रहा है, कितने लोगों के कपड़े फाड़ दिए गए, क्या यही लोकतंत्र है? इसलिए हम लोग यहाँ बने हैं जब तक हमें जाने नहीं दिया जाता। आप लोगों को दोनों तरफ से बैरिकेडिंग लगाई गई है, साथ ही साथ दोनों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी गई है और प्रशासन को किस तरफ से तमाम आपको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आपको जाने की अनुमति नहीं मिलती है तो क्या आप यही हम यही बैठे रहेंगे? इस तरीके से हम लोग अपना प्रदर्शन करते रहेंगे। अगर प्रशासन चाहता है तो हमें गिरफ्तार कर ले चले, लेकिन हम लोग बिना वहाँ जाए यहाँ से हटने वाले नहीं है। तो आपने देखा मुस्कान की कांग्रेसी कार्यकर्ता था जिसका साफ तौर पे कहना है कि हम तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमें जाने की अनुमति नहीं मिलती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या रुख लेते हैं कार्यकर्ता। जी मुस्कान विभांशु, अभी तक हमने देखा कि किस तरह से एक कांग्रेस कार्यालय के बाहर एक महिला जो कार्यकर्ता है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, तो अभी तक क्या वहाँ से किसी अन्य कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई है? जी मुस्कान, अगर आपको बताएं कि अभी अगर मौके पर अगर बात करें तो महज 3 कार्यकर्ताओं को ही गिरफ्त में लिया गया है जो बैरिकेडिंग फाद कर और निकल चुके थे यहाँ से। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अंदर कैसे कार्यकर्ता धीरे धीरे बैरिकेडिंग से उतर रहे हैं और वो धीरे आगे जाकर बैठ रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि एक जो तमाम पुलिस के आला अफसर हैं वो यहाँ जो अंदर लोग बैठे हैं उनको भी हटाने का प्रयास किया जा रहा है, उनको भी हटाया जा रहा है। तो अब प्रशासन बाहर से लेकर और अंदर जो लोग बैठे हैं उनको भी पूरी आग्रह कर रहा है कि आप जो तमाम नियम है उसको माने, धारा 144 को माने जो लखनऊ शहर के अंदर में लगा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी धीरे धीरे अगर बात करें मुस्कान तो प्रदर्शन कमजोर होता नजर आ रहा है क्योंकि जो बैरिकेडिंग है उसके अंदर भी पहुंच चुके हैं कार्यकर्ता और साथ ही साथ उन्हें प्रशासन की तरफ से रोका जा रहा है और धीरे धीरे कार्यकर्ता जो है वो यहाँ से हट कर और अलग जगहों पर भी जा सकते हैं, जैसा कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बता रहे हैं। यहाँ तस्वीरों में देख सकती है कि जो कार्यकर्ता उग्र हो रहे हैं, धीरे धीरे उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। यहाँ आप देख सकती है कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं जो उग्र हुए थे उन्हें गिरफ्त में ले चुके हैं। वहीं पुलिस से जब वो छुड़ाते समय आप देख सकते हैं कि उनके शर्ट भी फट चुके हैं। जी मुस्कान, जिन कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया जा चुका है क्या आप उनसे बात करने की कोशिश करेंगे? ठीक पीछे वही कार्यकर्ता मौजूद है जिनकी गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई है, आप उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करें। आज आप लोग प्रदर्शन करने जा रहे थे, रोक दिया गया है, क्या कहेंगे आप? लोकतंत्र में प्रदर्शन करना कोई गुनाह नहीं है। अगर हमारे नेता राहुल गांधी जी पर ईडी की जांच लग रही है तो अडानी और मोदी के क्या संबंध है, इसमें कौन सी एजेंसी जांच करेगी? तो पूरा देश देख रहा है ये राहुल गांधी जो कि मुखर होकर नरेंद्र मोदी
और उनकी प्राइवेट कंपनियों के खिलाफ बोलते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि किसी ना किसी देश की सबसे मुख्य विपक्ष राहुल गांधी को इस तरह से परेशान करें। लेकिन राहुल गांधी ना झुकेंगे ना डरेंगे। जी बेशक आपने सुना मुस्कान की जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उसकी तरफ से कहा जा रहा है राहुल गांधी ना झुकेंगे और ना ही रुकेंगे, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि जो तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जैसा कि कांग्रेसी कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार, साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा जा रहा है, कुछ कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा गया अभी कि जो प्रमुख विपक्षी दल है वो कांग्रेस है और कांग्रेस की तरफ से अगर उन्हें उनके छवि धूमिल करने का प्रयास किया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि दो दिन का जो प्रदर्शन होता है उनकी पूछताछ हुई है उसमें क्या निकल के आता है सामने। जी मुस्कान एक बार अपने कैमरा पर्सन से बोलिए कि हमको इस वक्त मौजूदा वहां की तस्वीरें दिखाई कि इस वक्त वहां की स्थिति क्या बनी हुई है, क्योंकि अभी तक कई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है और कहीं ना कहीं जहां पहले कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा था वो अब उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहां की स्थिति क्या बनी हुई है वो तस्वीरों से समझना चाहते हैं विभांशु। जी वांशु आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लाइव व्यू अपना करना अभी तो आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगातार कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, किस तरह से जो प्रदर्शन अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था वो कहीं ना कहीं अब उग्र होता हुआ नजर आ रहा है और लगातार प्रदर्शन उग्र होने के बाद अब पुलिस को लाठी चार्ज भी करनी पड़ी है। यही वजह है कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एक महिला कार्यकर्ता की तस्वीर एक्सक्लूसिव आपने प्राइम टीवी पे देखी कि किस तरह से जब उसने बैरिकेडिंग फंद कर राजभवन जाने की कोशिश की तो उसे गिरफ्तार कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही थी ईडी के द्वारा उसके विरोध में अब कहीं ना कहीं प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो अभी तक आपने लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें ग्राउंड जीरो से देखी जहां पर हमारे विभांशु संवाददाता मौजूद थे, उन्होंने दिखाया कि किस तरह से कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।